गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, या टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, राइट. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? तो सबसे पहले पॉइंट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसमें गुड्स सेलर से बायर के पास में, गुड्स की सेलर से बायर के पास में ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती है. ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब व्हाई द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इम्प्लाइज दैट ट्रांसफर ऑफ ऑल राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू द सेलर टू द बायर. मीन्स चूंकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी प्रॉपर्टी है उसका सारा राइट बायर से लेके, सेलर से लेके बायर के पास में ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, और जो सेलर है वो किसी भी तरीके से बायर को उस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है. बायर की जो भी डिजायर है वो उसी हिसाब से यूज करेगा. Now, why it is so important? There are the three reasons जिसके कारण ये so important है. The first is risk follows ownership. Section 26 ये कहता है कि जब तक agreement में इसके विपरीत contradictory कुछ ना लिखा हो तो जिसके पास में goods की ownership होती है उसी की risk भी होती है अगर goods damage हो रही है. अगर ओनरशिप सेलर के पास है तो रिस्क ऑफ डैमेज सेलर की होगी, अगर ओनरशिप बायर के पास है तो रिस्क ऑफ डैमेज बायर की होगी. सेकंड रीजन है एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज. अगर थर्ड पार्टी के किसी एक्शन के कारण गुड्स डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सिर्फ गुड्स का ओनर ही उस थर्ड पार्टी के अगेन क्लेम कर सकता है. इसीलिए ओनरशिप डिसाइड होना बहुत जरूरी है. थर्ड, सॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और द बायर. इन केस ऑफ सॉल्वेंसी, मान लीजिए कि अगर सेलर या बायर में से कोई सॉल्वेंट हो गया यानी कि दिवालिया हो गया तो वो गुड्स ऑफिशियल रिसीवर को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन दिवालिया हुआ है, कौन उस गुड्स का ओनर है और कौन दिवालिया हुआ है. मान लीजिए कि सेलर दिवालिया हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ है, लेकिन गुड्स की ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है तो जो सेलर का ऑफिशियल रिसीवर है फिर वो उस गुड्स की ओनरशिप के लिए क्लेम नहीं कर सकता. ठीक है, सो दीज आर द रीजन कि वाई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज टू इम्पॉर्टेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. Now, अब नेक्स्ट पॉइंट है यहां से. इससे पहले के नोट्स मैंने आपको कल बना के सेंड कर दिए थे, आज एक्सप्लेन कर दिए हैं. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये ले रहे हैं कि द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स. जो सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है उसको हम कैसे डील करते हैं, उसको दो तरीके से डील किया जाता है. फर्स्ट, टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स, कि वो वक्त, वो टाइम जबकि प्रॉपर्टी एक जगह, एक हाथ से दूसरे हाथ में गई है. और दूसरा, रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. ठीक है, पहले मैंने आपको इसमें ये बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. अब हम ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को कैसे डील किया जाता है. तो इसमें फर्स्ट है टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स. ओके, इट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टीज व्हेन सच ट्रांसफर विल टेक प्लेस, बट इन द एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट द एक्ट स्प्लिटेड व्हेन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल डीम्ड टू बी अफेक्टेड इन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Means, वैसे तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप सेलर से बायर के पास में कब जा रही है ये दोनों पार्टीज की आपसी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है.
बट अगर एग्रीमेंट में इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये माना जाता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तभी ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, ओके। बट चूंकि हमारे पास में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पहले भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, गुड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन गुड्स के टाइप्स के हिसाब से ही ओनरशिप की ट्रांसफर भी होती है। लाइक असर्टेन गुड्स होते हैं, हमारे पास तीन तरीके के गुड्स होते हैं, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इन तीनों में गुड्स का सेलर से बायर के पास में जो ओनरशिप ट्रांसफर है वो अलग अलग है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। अगर असर्टेन गुड्स हैं, अब असर्टेन गुड्स कौन सी होती हैं? असर्टेन गुड्स वो स्पेसिफिक गुड्स होती हैं जो कि एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड होती हैं। सेलर को और बायर को दोनों को पता होता है कि कौन सी गुड्स हैं जो कि डिलीवर होने वाली है, ठीक है। सो इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अबाउट असर्टेन गुड्स एंड द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव एग्रीड ऑन द टर्म्स ऑफ द सेल, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टरी द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल अफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। मीन्स अगर असर्टेन गुड्स है और दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कुछ भी कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं लिख रखा है तो ये रूल्स हैं जिनसे असर्टेन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है। फर्स्ट, व्हेन द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, जिस दिन गुड्स डिलीवरेबल स्टेट मतलब डिलीवर करने के स्टेट में होती है, यानी ये मैंने पॉइंट आपको पहले भी समझाया था, ठीक है, कि जब बायर ये एग्री कर लेता है कि मैं आपकी, व्हेन द बायर एग्री टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स, मींस जब बायर ये एग्री कर लेता है कि मैं गुड्स की डिलीवरी लेने को तैयार हूँ और सेलर के पास में गुड्स एकदम रेडी पड़ी है, अब उसे उस पर कुछ भी और काम नहीं करना है और सेलर इज ऑल्सो रेडी टू डिलीवर द गुड्स, तो हम ये कहते हैं कि भाई गुड्स किस इस कंडीशन में है, डिलीवरेबल स्टेट में है, यानी कि गुड्स डिलीवर की जा सकती है। तो वो जो पॉइंट आता है जहां पर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो जाती है उसी समय हम कह लेते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, ओके। तो द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, ठीक है। मतलब डिलीवरेबल स्टेट गुड्स वो वाली गुड्स होती हैं जो एकदम सेलर के पास में रेडी होती है, ठीक है। सेलर उसे बेचने के लिए रेडी होता है, उसे उस पर कुछ खास काम नहीं करना होता, और बायर उसे एकदम खरीदने के लिए रेडी होता है, बायर को उस पर कुछ खास काम नहीं लेना होता, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा, ठीक है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अनकंडीशनल है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसी समय गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ है। वेदर द पेमेंट ऑफ गुड्स और द डिलीवरी देयर ऑफ और बोथ आर पोस्टपोन टू अ लेटर डेट, मींस भले ही जो गुड्स है उसकी डिलीवरी या उसका पेमेंट बाद में पोस्टपोन हो जाए, लेकिन इस तरीके की गुड्स जो कि एकदम रेडी होती है, सेलर देने के लिए तैयार है और बायर खरीदने के लिए तैयार है, उस गुड्स की ओनरशिप उसी समय सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो जाती है जबकि कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। सेकंड, व्हेन असर्टेन गुड्स नीड टू पुट इन अ डिलीवरेबल कंडीशन। अब अगर गुड्स स्पेसिफिक गुड्स ऐसी कंडीशन में है कि जिस पर बायर को अभी काम करना बाकी है और वो उसको काम करेगा और फिर उसको डिलीवरेबल कंडीशन में लाएगा, तो ऐसे में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी? जबकि वो गुड्स बेचने योग्य बन जाएंगी, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट अफेक्टेड टिल सच टाइम एज द नेसेसरी वर्क हैज बीन डन ऑन द गुड्स, यानी कि इन शॉर्ट जब स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल कंडीशन में हो जाएगी, सेलर उसे बायर को दे सकता है, उसी समय उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी भले ही उन्होंने उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पहले कर लिया हो, ठीक है। थर्ड, व्हेन द सेलर हैज टू डू समथिंग फॉर असर्टेनिंग द प्राइस। अब मान लीजिए कि असर्टेन गुड्स तो ऐसी है कि जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, मतलब कि जो सेलर के पास में स्पेसिफिक गुड्स पड़ी है वो इस कंडीशन में है कि सेलर उसे बायर को दे सकता है, बट
सेलर को उस गुड्स के प्राइस से रिलेटेड अभी कुछ डिसाइड करना है या बायर को उस गुड्स के प्राइस से रिलेटेड कुछ डिसाइड करना है। तो चूंकि सेलर ने अभी तक उसका प्राइस डिसाइड नहीं किया है, तो वो गुड्स उस समय अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकती है। सेलर उस गुड्स का उस समय ओनरशिप ट्रांसफर करेगा जब सेलर उस गुड्स का प्राइस डिसाइड कर लेगा और डिसाइड करके बायर को कम्युनिकेट कर देगा। ठीक है, यानी इन शॉर्ट ये रूल्स क्या हुए हैं कि अगर आपकी असर्टेन गुड्स, जिसको कि हम स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं, वो डिलीवरेबल कंडीशन में है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तभी सेलर से बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वो डिलीवरेबल कंडीशन में नहीं है, तो जब वो डिलीवरेबल कंडीशन में आएगी तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट पहले बन गया। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर वो डिलीवरेबल कंडीशन में है लेकिन उसका प्राइस अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो सेलर पहले उसका प्राइस फिक्स करेगा, फिर उसको बायर को कम्युनिकेट करेगा, फिर वो उस गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये किसके लिए था? असर्टेन गुड्स के लिए। अब है अनअसर्टेन गुड्स, यानी कि जो जेनरिक गुड्स होती है। अनअसर्टेन गुड्स क्या होती है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना होता है उस समय बायर या सेलर दोनों को ही पता नहीं होता है कि उन गुड्स को कि एज वो डिस्क्रिप्शन पर या सैंपल के हिसाब से सेल की जाती हैं। ठीक है, उन्हें हम असर्टेन गुड्स कहते हैं। तो असर्टेन गुड्स के रूल का ये है कि अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप उस समय ट्रांसफर होती है जबकि वो असर्टेन हो जाती है। ठीक है ना, यानी जो हमारी जेनरिक गुड्स हैं उनकी ओनरशिप उस समय ट्रांसफर होती है जबकि वो स्पेसिफिक गुड्स में ट्रांसफर हो जाती हैं। ओके, तो अनअसर्टेन गुड्स से रिलेटेड रूल्स ये हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के, कि सबसे पहले तो उन बंच ऑफ गुड्स में से आपको उन गुड्स को असर्टेन यानी कि स्पेसिफिक करना जरूरी है। इट मींस बायर ने सैंपल या डिस्क्रिप्शन देखकर सेलर को अपना ऑर्डर दे दिया है। अब सेलर अपने पास पड़ी हुई गुड्स में से बायर के डिस्क्रिप्शन या सैंपल के हिसाब से उन गुड्स को अलग करके बायर को बता देगा। ठीक है, तब जाकर क्या हुई कि अनअसर्टेन गुड्स में से हमने गुड्स को सर्टेन कर दिया है। ठीक है, अब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। सेकंड, गुड्स मस्ट बी एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि जो बंच ऑफ गुड्स पड़ा है उसमें से आप उस गुड्स को अलग कर सको, जिस गुड्स को आप सेलर से बायर के पास में भेज रहे हो। ठीक है, तब आप मानोगे कि उसकी ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हो। थर्ड, गुड्स मस्ट बी टू डिलीवर टू कैरियर। मीन्स तीसरा पॉइंट ये होना जरूरी है कि सेलर ने उस गुड्स को वो जिस भी बंदे के साथ में या जिस भी ट्रांसपोर्ट के साथ में भेजना है उसको दे दिया है। ठीक है, और अब वो गुड्स बायर के पास में पहुंच जाएगी, तब हम कहते हैं कि जो हमारी अनसर्टेन गुड्स थी यानी कि जो हमारी जेनरिक गुड्स थी अब वो स्पेसिफिक गुड्स में कन्वर्ट हो गई है, अब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। एंड थर्ड पॉइंट होता है, जब गुड्स आपने अप्रूवल के लिए सेल की है या सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे बायर को सिर्फ दे रखी है, ठीक है, ऐसी गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? तो इसमें दो रूल होते हैं। अगर बायर जो गुड्स अप्रूवल के लिए लेके गया है एकदम क्लियर वर्ड्स में बता देता है कि ये गुड्स मुझे पसंद आ गई है और अब मैं इन गुड्स को अपने पास में रख रहा हूँ, तो एज इट इज उसी टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये कहा गया है कि मान लीजिए बायर गुड्स को लेकर चला गया, ठीक है, लेकिन उसने वो काफी समय तक ये नहीं बता रहा कि ही वॉन्ट टू बाय द गुड्स और नॉट। ठीक है, अगर इस तरीके के अप्रूवल की कोई टाइम लिमिट फिक्स है और टाइम लिमिट खत्म हो गई उसके बाद भी बायर ने नहीं बताया कि मैं उस गुड्स को परचेज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इस केस में उस टाइम लिमिट के खत्म होते ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो कि टाइम लिमिट फिक्स नहीं है तो फिर जो भी रीजनेबल टाइम होता है उसके हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाती है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट कि वो कौन सा टाइम होता है जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाती है। सेकंड, रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल।
When the goods are sold to buyer who is far away and the goods are dispatched to the buyer by public transport, in order to ensure that he receives the payment for the goods, the seller reserves the right of disposal. इसका मतलब ये है कि अगर goods ऐसे buyer को बेची है seller ने जो कि बहुत दूर है, तो फिर उसमें goods चूंकि बायर के सेलर के पास में उसका पेमेंट नहीं आया है, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने के राइट को सेलर अपने पास में तब तक रिजर्व रखता है जब तक कि बायर उसको उस गुड्स का पैसा नहीं दे सकता, नहीं दे देता है, ठीक है। उसके बाद में फिर वो उस गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करने की बात करता है। ओके, तो ये था आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होना क्यों जरूरी है वो मैंने आपको इसमें बताया। और जब ट्रांसफर होती है तो एज पर द टाइप्स ऑफ गुड्स कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक है। थैंक यू।